हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिनलैंड की एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी के अंडर निकली है दोस्तों क्लीनर की जॉब्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फिनलैंड में क्लीनर की जॉब्स करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं आपको क्लीनर की जॉब्स के लिए अप्लाई करने का पूरा तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि फिनलैंड के गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है दोस्तों, मतलब कि बहुत पुराना रिकॉर्ड है इनका फॉरेन वर्कर्स को हायर करने का। तो एज अ फॉरेन वर्कर अगर आप भी फिनलैंड में कंपनी में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो इस कंपनी में जरूर कर सकते हैं। तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के बस एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन, और एक बार फिर से हम फिनलैंड की जानकारी लेकर के आए हैं दोस्तों। फिनलैंड की जिस कंपनी की बात मैं कर रहा हूं, इस कंपनी का नाम है SOL पालविलेट। जी हां दोस्तों, यह कंपनी जो है दोस्तों अलग अलग टाइप की सर्विसेज देती है, क्लीनिंग सर्विसेज देती है दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विसेज देती है, प्रॉपर्टी सर्विसेज देती है और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी सर्विसेज देती है। तो अगर आप इनके अंडर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको अलग अलग टाइप की जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इस वक्त फिलहाल जो है दोस्तों क्लीनर की हायरिंग चल रही है, और क्लीनर की जॉब्स के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, बस एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तरीका बहुत ही आसान होने वाला है। एक वैकेंसी है और एक ओपन एप्लीकेशन का ऑप्शन है आपके पास। वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 29-30 तारीख तक की जो है क्लोजिंग डेट है लास्ट, ठीक है। और अगर ओपन एप्लीकेशन में आप अप्लाई करते हैं दोस्तों तो ओपन एप्लीकेशन में सीवी भेजने का फायदा यह होगा कि आपकी जो है सीवी कंपनी के पास 3 महीने तक रहती है, और अभी से लेकर 3 महीने तक के बीच में कभी भी आपके सीवी के अकॉर्डिंग कोई जॉब आई, आपके स्किल्स और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कोई जॉब आई दोस्तों, तो उस जॉब के लिए जो है आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ओपन एप्लीकेशन का सिर्फ और सिर्फ यही फायदा होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों चीजों के लिए अप्लाई करें, वैकेंसी जो अवेलेबल है उसके लिए भी अप्लाई करें, ओपन एप्लीकेशन जो है दोस्तों उसके लिए भी अप्लाई करें, ताकि आपके पास एक मतलब ऑप्शन हो कि अगर नहीं हुआ तो 3 महीने के बीच में कभी भी आपके पास रिस्पांस आ सकता है दोस्तों। और तो और दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए एक सीवी और कवर लेटर की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास वो सीवी कवर लेटर तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, नहीं है तो आप हमारे चैनल पे अवेलेबल ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप सीख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो देख करके कि फिनलैंड के लिए सीवी और कवर लेटर कैसे बनाना है। फिर भी नहीं बना पा रहे दोस्तों तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको हमारा नंबर मिल जाएगा दोस्तों, जल्दी से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हमसे अपना सीवी और कवर लेटर बनवाइए दोस्तों। अभी मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, अभी मैं आपको कंपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूं दोस्तों, अप्लाई करने का तरीका बताता हूं, उसके बाद करेंगे बाकी की बातें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको गूगल पे ले आया हूं, और गूगल पे लाने के बाद आपको सर्च करना है SOL पालविलेट, ठीक है। वैसे तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर आप गूगल से डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने SOL पालविलेट OS सर्च कर लिया दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक कंपनी की वेबसाइट आ चुकी है। इस कंपनी की वेबसाइट में जो है आपको यहाँ पर सबसे मेन वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो है वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए SOL लिखा हुआ है, और उसके बाद नीचे वर्क एट SOL सबसे पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, उसके नीचे करियर्स का एक ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड नियरेस्ट लॉन्ड्री वगैरह वगैरह, और उसके बाद फैमिली SOL फैमिली, उसके बाद करियर स्टोरीज, सोलर सेंटर, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कस्टमर सर्विस 24/7 से रिलेटेड जो है आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, और उसके नीचे लिखा हुआ है ब्राउज जॉब्स, जिस पर क्लिक करके आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है SOL पालविलेट OY, और उसके जो है नीचे आपको कस्टमर सर्विस नंबर दिया जा रहा है वगैरह वगैरह, आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दी जा रही है। सर्विसेज में आप देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों, क्लीनिंग सर्विसेज, फैसिलिटी सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज, प्रॉपर्टी सर्विसेज और सिक्योरिटी सर्विसेज। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल सकती हैं दोस्तों। खैर, आप इनमें से किसी भी सर्विसेज के अंडर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ क्लीनिंग सर्विसेज के अंडर जॉब अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सिर्फ वही जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर अभी लिखा हुआ है ब्राउज जॉब्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो है हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा दोस्तों रिक्रूटमेंट का। इस रिक्रूटमेंट वाले पेज पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन फॉर द लिस्ट ऑफ ओपन पोजीशंस लिखा हुआ है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जॉब ओपनिंग्स वगैरह आप यहाँ पर से फिल्टर कर सकते हैं, अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं, इंडस्ट्री वगैरह चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है ही नहीं, तो आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विस इंस्ट्रक्टर फॉर क्लीनिंग की जॉब अवेलेबल है, क्रिसमस मेल सॉर्टर्स की जॉब अवेलेबल है, और क्लीनर की जॉब अवेलेबल है फिल इन। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको जो है ओपन एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको ऊपर वाले जॉब के बारे में बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्लीनर फिल इन जो लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करके
अप्लाई कर लेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप खोलेंगे, खोलने के बाद जो है आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी दोस्तों कि कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, कितना आपको काम करना है दोस्तों, क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर दिस पोजीशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहीं पर आपको जो है एक फॉर्म देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, छोटा सा। यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है दोस्तों आपको। फ़ोन नंबर में जो है आपको यहाँ पर कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ जो झंडा है, इस झंडे पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है इंडिया का ऑप्शन भी आ जाएगा सिलेक्ट करने का। यहाँ पर हम इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप इंडिया से हैं तो, पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लीजिएगा। मतलब आप जिस भी कंट्री से हैं वो सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़िए दोस्तों। यहाँ पर इंडिया 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 भारत आ चुका है दोस्तों, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जो है हमको फ़ोन नंबर डालना होगा, फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं। उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस, आप कौन से सिटी में रहते हैं, नेशनैलिटी आपको डालना है दोस्तों। आर यू ऑफ लीगल एज, आप लीगल एज के हैं, येस नो पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स आपकी क्या है, फिनिश लैंग्वेज आपको कितनी आती है वो आप लिख सकते हैं। अगर नो स्किल्स आती हैं तो फिर आप नो स्किल्स पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। स्वीडिश आपको कितनी आती है, नो स्किल्स। इंग्लिश आपको कितनी आती है वो लिख सकते हैं। अदर लैंग्वेजेस में आप अपनी मदर टंग वगैरह डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है बस कि ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। अगर आपके पास इंडिया का भी है तो आप येस ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है, ताकि अगर आगे बात बढ़ती है तो आप वहाँ पर क्लियर कर सको उनको। उसके बाद यहाँ पर CV कवर लेटर अटैच करने का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। अदर में आप कुछ और भी अटैच कर सकते हैं, अपने जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहें, ठीक है। वो सारी चीज़ें अटैच करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम इंटरेस्टेड इन अदर पोजीशंस एट SOL। यहाँ पर मतलब कि अगर क्लीनर की जॉब अवेलेबल नहीं हुई तो आप क्या दूसरी पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, अगर करना चाहेंगे तो येस पे क्लिक कर दीजिए तो आपको वो भी जॉब्स के लिए कंसिडर किया जाएगा दोस्तों। अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर फिर आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करके सेंड एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने जो लिख करके आएगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड और आपका जो है दोस्तों जॉब अप्लाई हो जाएगा इतनी आसानी से, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आप ओपन एप्लीकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ओपन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आपको जो है क्लीनर्स का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा दूसरे नंबर पर, इस पर हमें क्लिक कर लेना है दोस्तों। क्लिक करते ही जो है हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस नए पेज पे जो है आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, जैसे हमने पिछले जॉब में किया था दोस्तों। यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने सेम प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ओपन एप्लीकेशन फॉर क्लीनिंग वर्क, ओपन एप्लीकेशन क्लीनर्स, ठीक है। यहाँ पर सेम आपके पास जो है फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म आपको भर लेना है दोस्तों। उसके बाद जो है आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, सेंड योर एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाता है। और यहाँ पर आपको जो है इसी पेज पर बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिलती है दोस्तों कि अगर आप अपने एप्लीकेशन डालते हैं तो कैसे 3 महीने तक ये जो है आपके CV को अपने डेटाबेस में रखते हैं और उसके बाद जो है आपके CV को डिलीट कर दिया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से मतलब आप इस कंपनी के अंडर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बस इतना ही सजेस्ट करूंगा कि इस कंपनी को विजिट करते रहिए दोस्तों, क्योंकि जितनी ये सर्विस देते हैं उतनी सर्विसेज में आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं। अभी फिलहाल सिर्फ क्लीनर की जॉब्स अवेलेबल है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको और भी जॉब्स देखने के लिए मिले दोस्तों। और ना सिर्फ फिनलैंड में बल्कि आपको जो है इस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया, स्वीडन, डेनमार्क जैसी कंट्रीज में भी जॉब देखने के लिए मिल सकती है। आप देख सकते हैं SOL कंट्रीज के अंडर आपको ये सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों। इन कंट्रीज में भी जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। तो भैया आपके पास ऑप्शन अच्छा है, आपके सामने मैंने एक अच्छी कंपनी ला करके दे दी है दोस्तों। अब मैं आपको बस इतना ही सजेस्ट करूंगा, जल्दी से CV कवर लेटर बनाइए और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए दोस्तों। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। वीडियो अगर समझ ना आए तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, मतलब पॉज कीजिए, बैकवर्ड कीजिए और अपने सहूलियत के हिसाब से देखते हुए वीडियो को अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप भी इस कंपनी की वेबसाइट पर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके को जल्दी से फॉलो कीजिए और खुद के लिए एक बढ़िया जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। क्लीनर की इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड है, ऐसी बहुत सारी सर्टिफाइड कंपनीज है दोस्तों फिनलैंड में जो कि क्लीनर की जॉब के लिए हायर कर रही है। अगर आप उन कंपनीज के बारे में भी जानना चाहते हैं दोस्तों तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए, तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि जल्दी से CV कवर लेटर बनवा के जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर दो। आपको पूरा का पूरा तरीका बता दिया है, वेट करना छोड़ दो दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।